अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने तीन टॉपिक्स क्लियर करने हैं और हमारे पास कोई 25 से 30 मिनट्स हैं, क्योंकि लास्ट 5 मिनट में आपका टेस्ट भी होगा। तो आज के टॉपिक हैं बड़े मज़ेदार और बहुत आसान, तीनों टॉपिक्स आपस में रिलेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। आप ये कंसिडर करें कि ये आपके पास एक वॉल है, दीवार, यहाँ से आप फोर्स लगा रहे हो या पानी ट्रेवल करता हुआ स्ट्राइक करता है वॉल के साथ। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास v, जब यहां पे आके गिर जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी है v। अब जब पानी यहां से ट्रेवल करता हुआ उस दीवार के से जाके टकराएगा तो वॉल फोर्स लगाएगी पानी के ऊपर, फोर्स लगाएगी पानी के ऊपर, वॉल फोर्स अप्लाई करेगी पानी के ऊपर, फोर्स बाय वॉल ऑन वॉटर। जरी सी बात, आप किसी भी चीज के से जाके स्ट्राइक करते हो तो वो चीज आपके ऊपर क्या एग्जर्ट करती है, फोर्स एग्जर्ट करती है। अब भागते हुए भागते कभी किसी दीवार के साथ टक्कर मारो तो आपके ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगेगी। इसी तरह पानी जब स्ट्राइक करेगा दीवार के साथ जाके टकराएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स। जब पानी टकराएगा, मैंने ये कहा पानी टकराएगा मूव करता हुआ, उसकी इनिशियल कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो थी, इसलिए मैंने उसकी इनिशियल वेलोसिटी को क्या कह दिया, वी। टकराने के बाद पानी नीचे गिर गया, फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या आ गई आपके पास, जीरो। इट मींस यहां से यहां जाते हुए वेलोसिटी में क्या आया, चेंज। और वेलोसिटी में चेंज को क्या नाम देते हैं, एक्सेलरेशन। हम कहते हैं एक्सेलरेशन इक्वल होता है vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। एक्सेलरेशन इक्वल होता है आपके पास vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। फाइनल वेलोसिटी आपकी जीरो है, इनिशियल आपके पास वी आ रही है, फाइनल वेलोसिटी आपकी जीरो है और इनिशियल की जगह आपने वी लिखा डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है, टी। तो ये आपकी वेलोसिटी में जो चेंज आया जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन, वो आपके पास क्या आ रहा है बेटा, माइनस वी ओवर टी। अब फोर्स होती है आपके पास एम ए के इक्वल, फोर्स एम ए के इक्वल है। मैं फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूं ना, फोर्स बाय वॉल ऑन वॉटर, एम ए की जगह क्या लिख देंगे, माइनस वी ओवर टी। तो ये क्या आ गई, माइनस एम वी ओवर टी, ये हमने निकाल ली फोर्स एफ। अब देखो जब दीवार ने पानी के ऊपर फोर्स लगाई है तो पानी भी किस पे लगा रहा है, दीवार के ऊपर फोर्स, वॉटर ऑन दी वॉल। अब हम निकालते हैं फोर्स बाय वॉटर ऑन वॉल। सबसे पहले मैं बात बता दूं, सिर्फ छोटा सी आसान सी बात है, फोर्स ड्यू टू वॉटर फ्लो, हमें एफ कैलकुलेट करना है पानी के फ्लो की वजह से। अब आपने पानी का पाइप हाथ में रखा है, स्ट्राइक किया दीवार के साथ, जब दीवार के साथ जाके पानी स्ट्राइक करेगा, पानी दीवार के साथ फोर्स लगा रहा है और दीवार पानी के ऊपर फोर्स लगा रही है। सबसे पहले मैंने कैलकुलेट की, जब आप किसी चीज के साथ टकराते हो तो वो आपके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, फोर्स बाय वॉल ऑन वॉटर, पानी पे जो फोर्स लग रही है, आपने निकाला कि इनिशियल वेलोसिटी पानी की वी थी, जब वो जाके गिर जाता है जमीन पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। वेलोसिटी में क्या आया, चेंज। चेंज को हमने नाम दिया एक्सेलरेशन, कैलकुलेट कर लिया। फोर्स निकालना चाहते थे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल होती है एम ए के, तो आपने निकाल लिया एम वी ओवर टी। अब मैं कहता हूं कि ये फर्ज करें एक्शन था तो रिएक्शन इसके बिल्कुल क्या होगा, ऑपोजिट। हम ये कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अगर वॉल के ऊपर या वॉल ने पानी पे फोर्स लगाई तो पानी भी किस पे फोर्स लगाएगा, वॉल के ऊपर, वो बिल्कुल इसके इक्वल होगी, लेकिन डायरेक्शन में क्या आएगी, ऑपोजिट। और उसके साथ साइन कौन सा लगा देंगे, नेगेटिव। हमारे पास पहले क्या आ रहा था, माइनस एम वी ओवर टी, मैंने नेगेटिव साइन पहले लगा दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन।
ओके अगेन मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ा ऑडियो की इशू आ रहा है। तो ये हम लोगों ने एक्शन एंड रिएक्शन कैलकुलेट कर लिए, फोर्स बाय वॉल ऑन वाटर एंड फोर्स बाय वाटर ऑन वॉल। मेरा बेटा अगर आप लोग ये ही डेरिवेशन बिल्कुल कर लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। आपकी बुक में डायरेक्टली ये चीज़ लिखी हुई है और मैंने यहाँ पे ये डेराइव कर दिए और ये भी आज की असाइनमेंट का हिस्सा होगा। अब बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की, मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। बहुत शॉर्ट सा टॉपिक है, आप लोग अगर नाइन्थ क्लास को रिकॉल करो, मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस, धमाके की वजह से मोमेंटम में चेंज आना। कोई ऐसी एग्जांपल आपके जहन में आ रही है तो वो देखें। मोमेंटम में चेंज, मोमेंटम में चेंज कब चेंज आता है बेटा? जब मैस और वेलोसिटी में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैस और वेलोसिटी, जिस तरह एक रॉकेट मूव करता है, रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, फ्यूल यूज होता जा रहा है, मैस भी चेंज हो रहा है और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, हम कहते हैं चेंज इन मोमेंटम आ रहा है आपके पास। तो सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, बहुत शॉर्ट सा टॉपिक है, बहुत ही मजेदार और आसान टॉपिक भी है। दूसरा आपके पास आ गया मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। पहले हमने पढ़ा था फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, उसमें भी आपने देखा चेंज इन मोमेंटम आ रहा है इक्वल टू अप्लाइड फोर्सेस। अब बात करते हैं मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस, ये सारे शॉर्ट में पूछे जाते हैं, बहुत रेयर केस में इनसे कोई लॉन्ग आएगा। अब मेरा बेटा मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस, मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस, बड़ी ही सिंपलेस्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, एक बुलेट और दूसरे आपके पास, आपके कह लो कि आपके पास एक गन है, राइफल कह लें, आपके बुक में गन की जगह राइफल लिखा हुआ है। मैं ये बात करता हूं, शूट करने से पहले, फायर करने से पहले बुलेट भी और राइफल भी दोनों रेस्ट में हैं। शूट करने से पहले आपके पास राइफल भी और बुलेट भी दोनों रेस्ट में है, तो उनका मोमेंटम आपके पास क्या होगा? जीरो। हम ये देख रहे हैं ना कि एक्सप्लोसिव फोर्सेस की वजह से मोमेंटम में एक आइसोलेटेड सिस्टम हमने लेना है, आइडियल सिस्टम जिसमें बाहर से किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लगती। और आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में हम बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं कि चेंज इन मोमेंटम हमेशा एक जैसा रहता है। अब मैं ये बात करूंगा फायर करने से पहले और फायर करने के बाद, आइसोलेटेड सिस्टम में मोमेंटम एक जैसा आना चाहिए, तो फिर बात ही हम कर सकेंगे ना कि आइसोलेटेड सिस्टम है और लॉ कंजर्वेशन की बात हो रही है। हम देखते हैं जी फायर करने के बाद अगेन बुलेट भी रेस्ट में आ जाएगी और राइफल भी रेस्ट में आ गई, अगेन उनका मोमेंटम क्या आ गया? जीरो। इट मींस इन दोनों का मोमेंटम किसके इक्वल आ जाता है? जीरो के इक्वल, बिफोर एंड आफ्टर फायरिंग द राइफल या फायरिंग द गन। बिफोर एंड आफ्टर फायरिंग द गन दोनों का मोमेंटम क्या रहा है? सेम। अब मैं ड्राइव करते हैं क्वेश्चन, बुलेट के मैस को मैं स्मॉल एम कंसिडर कर लेता हूं और राइफल के मैस को हम लिख लेते हैं कैपिटल एम से। बुलेट की वेलोसिटी को आप लिख लें स्मॉल वी से और गन की वेलोसिटी को, राइफल की वेलोसिटी को लिख लें वी प्राइम से। आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा जब एक गन को फायर किया जाता है तो जितनी तेजी से बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है उतनी ही तेजी से गन हमेशा रिकॉइल होती है, झटका खाती है पीछे की तरफ। लेकिन माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि बुलेट तो बड़ी तेजी से मूव करती है लेकिन गन क्यों नहीं मूव करती? तो बेटा आप लोगों ने ये बात बड़ी अच्छे से पढ़ी हुई है कि एक्सेलरेशन का इनवर्स रिलेशन है मैस के साथ, उसका मैस ज्यादा होता है इसलिए उसकी वेलोसिटी में चेंज कम आता है और बुलेट का मैस कम होता है इसलिए उसकी वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आता है। फोर्स दोनों पे सेम लगती है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब मेरा बेटा मैं अगर ये बात करूं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमारे पास इनका टोटल मोमेंटम किसके इक्वल आ जाएगा? जीरो के इक्वल। या फिर आप करो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एम वी प्लस एम वी प्राइम इज इक्वल टू जीरो। अगर मैंने दोनों केसेस में फायर करने से पहले बिफोर फायरिंग
एंड आफ्टर द फायरिंग, जब दोनों के मोमेंटम को ऐड किया तो मेरे पास आंसर उन दोनों का क्या आ रहा था, जीरो. मैंने इन दोनों को ऐड किया है और इक्वल टू किसके लिखा बेटा, जीरो के. अब ये देखो, अब मैं चाहता हूं कि वी है वी प्राइम वेलोसिटी ऑफ द राइफल एंड स्मॉल वी है आपके पास वेलोसिटी ऑफ द बुलेट. अब आपके पास न्यूमेरिकल में अगर कोई सी तीन चीजें गिवन हो और आपको एक कैलकुलेट करनी हो, सपोज अगर आपको कैलकुलेट करनी हो वी प्राइम, वी प्राइम क्या है मेरे पास, वेलोसिटी ऑफ द राइफल, वी प्राइम कैलकुलेट करनी हो तो ये देखिए हम इसी इक्वेशन से लिखते हैं एम वी प्लस एम वी प्राइम इज इक्वल टू जीरो. ये प्लस एम वी दूसरी साइड पे जाके शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस एम वी. तो यहां पे आपने लिख लिया माइनस एम वी, इधर आ गया एम वी प्राइम. मुझे कैपिटल एम कैलकुलेट करने, ये एम इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ही दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा. तो ये आ गया आपके पास माइनस एम ओवर कैपिटल एम इंटू वी, ये आ गया आपके पास बेटा वी प्राइम. ये था जी मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस. देखिए मोमेंटम और एक्सप्लोसिव फोर्सेस के बदले में जो चेंज आया, आइसोलेटेड सिस्टम में मोमेंटम अगेन आपके पास क्या आ रहा है, सेम. तो मेरा नहीं ख्याल इस टॉपिक में कुछ भी मुश्किल था. आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक बड़ा मजेदार है, रॉकेट प्रोपल्शन. प्रोपल्शन का मतलब होता है मोशन. प्रोपल्शन का मतलब क्या होता है, मोशन. रॉकेट कैसे मूव करता है, अगेन आप लोगों ने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में सबसे बेस्ट एग्जांपल यही बड़ी थी रॉकेट की मोशन. जितनी तेजी से फ्यूल बैकवर्ड डायरेक्शन उसकी टेल से बाहर निकलती है गैसेस, उतनी ही तेजी से वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं. जितने मोमेंटम से वो बाहर निकल रही है उतना ही मोमेंटम वो गेन कर रहे. एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. पहले थोड़ी सी बात इसके बारे में करते हैं, उसके बाद उसके डेरिवेशन में आते हैं कि क्या चीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेरिवेशन बाद में देखते हैं. फिलहाल इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं साथ साथ आपके कमेंट्स भी देख लेता हूं. फिलहाल तो कोई आपका क्वेश्चन नहीं है और स्टूडेंट्स भी कम है आपके पास. खैर अब बात करते हैं रॉकेट प्रोपल्शन की, रॉकेट की मोशन की. आज फिर आप लोगों का टेस्ट होगा, तो जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग साइन इन हो जाएं campus.bk पे, ताकि आप लोगों को टेस्ट शो हो सके. ये वाला टॉपिक भी बहुत आसान से, रॉकेट प्रोपल्शन. ओके, टेस्ट टॉपिक्स बता दिए जाएंगे. एक चीज याद रखा करें, जो आज का टॉपिक होगा, जैसे कि आज मैं पढ़ा रहा हूं, इससे प्रीवियस जितने लेक्चर्स उस चैप्टर के हमारे हो चुके होंगे, टेस्ट उसी में से होगा. कोई एक टॉपिक सिलेक्ट नहीं करूंगा. जितना सिलेबस चैप्टर 3 का पढ़ा लिया जाएगा, उससे वेरी नेक्स्ट डे उसमें से पेपर आपका बना दिया जाता है. अब बेटा बात करते हैं रॉकेट प्रोपल्शन की. प्रोपल्शन का वर्ड मैंने अभी आपको बताया, इसका मतलब होता है मोशन. सबसे पहली बात, इसमें मजेदार इंटरेस्टिंग बात यह है कि रॉकेट में एक्सप्लोसिव धमाकेदार मटेरियल के साथ साथ उसमें 80% फ्यूल होता है जिसके साथ रॉकेट ने मूव करना होता है. और रॉकेट की जो स्पीड होती है आपके पास वो होती है 4000 मीटर पर सेकेंड. 4000 मीटर पर सेकेंड. आपको खुद पता है ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है हर चीज को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. उस ग्रेविटी के ऊपर ओवरकम करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए रॉकेट की स्पीड होती है 4000 मीटर पर सेकेंड. और इसके अलावा वो क्या करते हैं, 10,000 kg पर सेकेंड, किलोग्राम पर सेकेंड, 10,000 kg फ्यूल बर्न करता है एक सेकेंड में. कितना कंजप्शन कर रहे हैं, 10,000 kg फ्यूल एक सेकेंड में. और एक सेकेंड में उसकी स्पीड कितनी है, वो कितने मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 4000 मीटर पर सेकेंड. तो ये देखिए मैस में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मैस में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एम ओवर टी आपके पास आ रहा है 10,000 kg पर
सेकेंड, 10,000 किलोग्राम पर सेकेंड, और टाइम आपने कितना रखा हुआ है बेटा, 1 सेकेंड। अब आप ये देखो, आपके पास दो तरह की फोर्स है। जब रॉकेट मूव करेगा, रॉकेट में उसकी टेल से गैसेस जितनी हाई वेलोसिटी के साथ, जितनी ज्यादा स्पीड के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगी, रॉकेट उतनी ही तेजी से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आप ये कहोगे एक्शन और रिएक्शन, जितना एक्शन हो रहा उतना ही क्या हो रहा है, रिएक्शन। लेकिन मैंने ये कहा कि रॉकेट के अंदर इसमें एक्सप्लोसिव मटेरियल के साथ साथ 80% फ्यूल होता है। अब जैसे जैसे फ्यूल यहां से यूज होता जाएगा, इसके मैस में चेंज आएगा और इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। इसके मैस में क्या आएगा, चेंज, और ये हल्का होता जाएगा और इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मोमेंटम में भी क्या आएगा, आपके पास चेंज आएगा। अब आपके पास दो तरह की फोर्सेस हैं। अब एक फोर्स रॉकेट के ऊपर लग रही है और एक फोर्स गैसेस के ऊपर लग रही है। फोर्स ऑन रॉकेट और एक आपके पास फोर्स क्या रही है, फोर्स ऑन गैस। इन दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं, फोर्स ऑन रॉकेट एंड फोर्स ऑन गैस। रॉकेट के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो तो ये होगी, रॉकेट के मैस को मैं नाम दे देता हूं कैपिटल एम, और इसकी वेलोसिटी में जो चेंज है उसको हम एक्सेलरेशन का नाम देते हैं एम ए का, एफ इज इक्वल टू एम ए, इसे मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमें कैलकुलेट करना है, यहां से इसको मैं रेज कर रहा हूं थोड़ा सा, फोर्स ऑन गैस, यहां पे मैंने कुछ वैल्यूज लिखी थी, 10,000 किलोग्राम पर सेकंड और 4,000 मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड थी। ये मैस पर टाइम के लिहाज से ये इतनी कंजम्पशन कर रहा है फ्यूल का, किस पे ओवरकम करने के लिए, ग्रेविटी पे ओवरकम करने के लिए। अब हमें एक्चुअली कैलकुलेट करनी है फोर्स ऑन गैस, जरी सी बात है। अब मैस में चेंज आ रहा है, हमने ये बात पढ़ी हुई है, जब मैस में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, हमने क्या पढ़ा हुआ होता फॉर्मूला इसका, एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाय टी, एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाय टी। अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी, तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी में वी आता है, तो ये आपके पास बनेगा, मतलब इनिशियल जीरो है, पहले तो वो रेस्ट में था इसलिए तो क्या हो गया जीरो, और इस वेलोसिटी को हम वी कह देते तो आपके पास बन गया एम वी ओवर टी। अभी आप ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, एफ इज इक्वल टू एम वी ओवर टी होता है चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये देखिए हम यहां पे बात कर रहे हैं पर सेकंड, टाइम कितना आपके पास, 1 सेकंड। यहां पे टी की वैल्यू अगर पुट करें 1 सेकंड, ओके ये कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से अगेन माइक थोड़ा साउंड का इशू था। हाँ एक्चुअली हमने लोगों जो मेन फोकस करना है वो फोर्स ऑन गैस है, कितनी फोर्स लग रही, एक्शन एंड रिएक्शन देखनी हमने क्या हो रहा है। आपको ये बड़ी अच्छे से बात पता चल गई, रॉकेट मूव किससे करता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जितनी फोर्स है जितनी वेलोसिटी से गैसेस बैकवर्ड उसकी टेल से निकल रही होंगी उतनी तेजी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में यह था कि 80% इसमें फ्यूल होता है, और जितना फ्यूल इसका बर्न होता कंज्यूम होता जाएगा उतनी ये वेलोसिटी गेन करेगा। हमने एक्शन और रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहे, आपके पास रॉकेट के ऊपर जो फोर्स लग रही है मैंने लिख दी, रॉकेट का मैस क्योंकि ज्यादा है कैपिटल एम लिख दिया और साथ आ गया एम ए। अब बात कर रहे थे
कि फोर्स ऑन गैस आपने क्या वो किसके इक्वल होती है, चेंज इन मोमेंटम एमवीएफ माइनस एमवीआई। अब आपने खुद देखा कि ये एम ओवर टी, एम की वैल्यू अगर आप यहां पे देखना चाहो एम ओवर टी किसके इक्वल आता है, एम ओवर टी में वैसे लिखना चाहूं टी आपके पास बेटा वन सेकेंड है, तो वन किसी भी नंबर को वन पे डिवाइड करोगे उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि मेरे पास यहां पे जो फोर्स आ रही है, दूसरी फोर्स जिसे हम कह रहे हैं फोर्स ऑन गैस, वो आ रही है मेरे पास एफ इज इक्वल टू एम वी। रॉकेट के ऊपर फोर्स आ रही है एम ए और इसके ऊपर फोर्स आ रही है एम वी। आप कहते हो एक्शन और रिएक्शन आपस में क्या होते हैं, एक जैसे इक्वल। इसको मैं रेस कर रहा हूं, जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल होते हैं। आपने कहा फोर्स लग रही है फोर्स ऑन रॉकेट और एक फोर्स लग रही है एफ ऑन गैस, दोनों हमने कैलकुलेट कर ली। ये आपके पास आ रही थी एम ए और ये आपके पास आई एम वी। अब अगर आप एक्सेलरेशन वेलोसिटी में, रॉकेट की वेलोसिटी में कितना चेंज आया ये चीज कैलकुलेट करना चाहते हो, तो ये ए को इधर रखें तो इधर क्या आएगा एम वी ओवर कैपिटल एम। ये था जी रॉकेट मूव कैसे करता है, बहुत ही मजेदार बात थी। एक्चुअली जो मजेदार बात थी वो ये थी कि यहां पे आपके पास डायरेक्टली ये चीज लिखी हुई है और अब आप ये चीज डराइव कर सकते हैं। आपको ये चीज पता चल गई है कि आपके पास ये जो रिलेशन आ रहा है एम वी ओवर कैपिटल एम कैसे है। कुछ बच्चों ने यह पूछा था कि सर कौन से नोट्स, तो अब्दुल गफार के अजीम वालों के अगर आप नोट्स फॉलो कर लें तो वो बहुत अच्छे बने हुए हैं। दूसरा ये जो आपको पेयरिंग स्कीम सेंड की थी ये सारे बोर्ड्स के लिए थी, मोस्टली यही फॉलोअप की जाती है। और एक और चीज, आज के जो तीन टॉपिक्स हैं यही आज की असाइनमेंट का हिस्सा होंगे और कल जो आपका एमसीक्यूज का टेस्ट होगा बेटा ध्यान से पढ़ा करो, जो चीज पढ़ा दी गई होती है टेस्ट उसी में से ही बनता है और ये वो क्वेश्चन हैं जो बोर्ड के पेपर में आ चुके होते हैं। तो कल आपका रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट मोशन तक आपका एमसीक्यूज का टेस्ट भी होगा लास्ट में 5 मिनट्स का। और इसके अलावा मेरा बेटा इन तीन टॉपिक्स की असाइनमेंट जैसे एज यूजुअल आप लोग सेंड कर रहे हो, मोस्टली 3 से 4 लोग कर रहे हैं, बाकी लोग मुझे असाइनमेंट सेंड नहीं कर रहे। और कल फिर क्लास होगी तो अभी थोड़ी ही देर में आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं, 1 मिनट के अंदर आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो कल, आज थोड़ा सा इशू आ रहा था वॉइस का, लेकिन हाँ जब इस तरह का कोई इशू होता है तो थोड़ा सा सबर रखा करें, हम्बल रहें, आपको उसी वक्त वो टेक्निकल इशू क्लियर करके दोबारा से लेक्चर स्टार्ट कर दिया जाता है। जो मैंने एक्सप्लेन किया बेटा वो कंप्लीट डेरिवेशन है, अगर आप वो लिख लेंगे आपको लर्निंग में आसानी होगी और अगर आप बुक का लिखेंगे तो नंबर नहीं कटेंगे, ये बात मैं बता देता हूं आपको। इसके अलावा कुछ भी नहीं है बेटा उसमें, हाँ मैथमेटिकल फॉर्म कंप्लीटली डिराइव करने की जरूरत नहीं, अगर आप लर्न कर सकते हो डायरेक्टली तो कर लो, बहुत अच्छी बात है, और डिराइव करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, कर दें। हाँ एक और चीज जो बड़ी मजेदार जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाह रहा था, आप लोगों को बड़े अच्छे से पता होगा कि सैटरडे वाले दिन आप लोगों का केमिस्ट्री का 20 मार्क्स का एक पेपर हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, एवेल्युएशन हो रही है कि आपको कितने अच्छे से लर्निंग हो गई है। अगर उसमें कोई भी स्टूडेंट 20 आउट ऑफ 20 लेता है तो उसको एक प्राइज लाइक एक क्या कहते हैं अप्रिसिएशन दी जा रही है इन द फॉर्म ऑफ यूएसबी। और कुछ लोगों ने कहा था कि हाँ सर अगर मोर देन वन स्टूडेंट अगर ये नंबर ले लेते हैं तो क्या क्राइटेरिया होगा, तो बेटा अगर आप पूरी की पूरी क्लास भी पूरे के पूरे नंबर ले लेती हैं तो सबको बाय पार्सल ये चीज सेंड कर दीजिए। टेस्ट आपका स्टार्ट हो गया, साथ साथ आप लोग अपना टेस्ट भी कर दे जाए, पहले वाला एमसीक्यूज कल वाला सेम ही है तो इसमें तो ये इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो कल वाला भी ही हो जाएगा आपका। सो उसी के साथ मेरा बेटा ध्यान से पहले स्टेटमेंट पढ़ लो, हाँ अगर मोर देन वन स्टूडेंट अगर आप ले लेते हो 20 आउट ऑफ 20 तो सबको यूएसबी मिल जाएगी, मतलब एक ऐसे पार्सल गिफ्ट है, हर दफा गिफ्ट चेंज भी किया जाएगा। और एक और चीज, जो लोग आउट ऑफ सिटी मतलब लाहौर से बाहर के रहने वाले हैं वो हमारे एड्रेस पे नहीं आ सकते, वो अपना एड्रेस हमें शेयर कर देंगे 20 नंबर लेने के बाद, तो उनको बाय पार्सल उनका गिफ्ट मिल जाएगा और इस तरह अप्रिशिएट और बकायदा उनका नाम भी लिया जाएगा और सबको बताया भी जाएगा कि आपने ये नंबर लिए। तो मेरा बेटा अच्छे से मेहनत करना, ये हर सब्जेक्ट का होगा, स्टार्ट आप लोगों का केमिस्ट्री से हुआ है। तो फिलहाल अभी का देखते हैं 5 कौन लेते हैं, अगर आप एक यूएसबी को डिवाइड करना चाहते तो कर लेना, नो इशू।
जिस तरह के आप टेस्ट मेरे देते हैं तो एक यूएसबी भी नहीं मिलने चाहिए, पूरे के पूरे नंबर लेने। बेटा मैंने पोस्ट कर दी एग्जाला अपनी ही टाइमलाइन पे पेयरिंग स्कीम, अब वहां से देख लें जी। रॉकेट प्रोपल्शन आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। जो आपके पास फ्यूल की कंजम्पशन 10,000 किलोग्राम पर सेकंड हो रही है और उसकी स्पीड ओवरकम करने के लिए ग्रेविटी पे है 4,000 मीटर पर सेकंड, एंड मोमेंटम एक्सक्लूसिव रियल शॉर्ट में आ रहे हैं आपके पास। बड़ी जल्दी आपका टेस्ट खत्म होने वाला है, देखते हैं आज कितने नंबर लेते हैं आप लोग। जो लोग YouTube पे हैं वो अगेन उन लोगों से यही बात की जाएगी कि अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं यू हैव टू साइन इन ऑन कैंपस डॉट पी के। और वैसे भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम इशू होता है कमेंट्स का, हम इंस्टेंटली रिप्लाई कर देते हैं एज कम्पेयर टू YouTube। तो आप यहाँ से ज़्यादा फॉलोअप करें और ज़्यादा से ज़्यादा साइन इन करें। और 4 नवंबर से अगेन वही चीज़ रिमाइंड करवा दूँ आप लोगों को कि हम लोग 9th का सेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास की टाइमिंग अवेलेबल होगी सब। आप अपने बहन भाइयों कज़न जिसको भी बताना चाहते हो आप बता सकते हो, सारा स्टाफ कंप्लीट आपके पास, हर तरह की इन्फॉर्मेशन, हर तरह का नॉलेज, हर तरह के नोट्स अवेलेबल होंगे। सो 4 नवंबर भी याद रखिएगा। और अभी आपका टेस्ट ख़त्म होने वाला है, देखते हैं आज कोई 5 नंबर लेते हैं। अब्दुल्ला का आजकल पेपर चल रहे हैं तो देखते हैं अब्दुल्ला साहब क्या करते हैं। किरण, अब्दुल्ला, मुकद्दस, मिनते, गजाला, शेराज नहीं आजकल आ रहे। जी माशाल्लाह हमारे पास 5 असद ने लिए, बहुत अच्छी बात है। सिद्रा के पूरे नंबर हैं, मरियम के पूरे नंबर हैं, शराज को भी याद किया था इनके भी पूरे नंबर हैं। वेरी गुड बेटा, आज तो माशाल्लाह 4-5 लोगों ने 5-5 नंबर ले लिए। असद, जैन और कौन है जी हमारे पास, वकास, माशाल्लाह गुड, कशफ गुड, इनके भी पूरे नंबर आ रहे हैं आपके पास। शराज के भी पूरे नंबर हैं, मरियम के भी पूरे नंबर हैं। उसके बाद 4 वाली लिस्ट भी हमारे पास अवेलेबल, हसन इनके भी 5 नंबर आए हैं। तो काफी लोगों ने आज पेपर अटेम्प्ट किया। इसी तरह बेटा यही आप कल देख लीजिएगा, रॉकेट प्रोपल्शन तक आपका टेस्ट होगा। और मैं ये चाहता हूं ये पूरी लिस्ट 5x5 हो, मुझे ढूंढना ना पड़े कि कहां से 5-5 नंबर आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे। हसन अगेन बेटा, हसन, जैन, किरण, सबके बहुत अच्छे नंबर हैं। ईशा के नंबर कितने हैं जी, 4/5। किरण, एमसीक्यू रॉन्ग नहीं है तो, अगर रॉन्ग नहीं है तो बेटा फिर आपके पूरे नंबर होंगे। चलें कल इंशाल्लाह फिर आपकी इसी टाइम की क्लास होगी 4:20 से 4:55। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और असाइनमेंट टाइमली बेटा मुझे सेंड कर दिया करें। ये ना हो कि मैं सिर्फ 10 मिनट पहले आपकी असाइनमेंट आ रही होती है, तो ताकि अगर आप मुझे टाइमली असाइनमेंट सेंड करेंगे तो मैं उसको चेक भी कर सकूंगा और आपकी गलतियां भी बता दूंगा। कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की, फ्राइडे और सैटरडे, इन 2 दिनों में हमें उसे कंप्लीटली करना है और साथ कुछ हल्के से शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ जी।